नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। तो बैटमैन की नई मूवी आ रही है, तो मैंने फिर से अपनी बैटमैन की टी शर्ट निकाल ली है और पीछे आप देख सकते हैं बैट केव के अंदर हम बैठे हुए हैं आज मजे से बदौलत इस ग्रीन स्क्रीन की। तो ये वही फोल्डेबल ग्रीन स्क्रीन है जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था, बहुत मुझे पसंद आई है। इस तरह से मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ और किसी भी तरह का बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकता हूँ। वैसे मैंने इसको इसी सीरीज़ के लिए मंगवाया था जो हम शुरू करने वाले हैं, ग्रीन स्क्रीन मास्टर क्लास, ग्रीन ब्लू स्क्रीन मास्टर क्लास सीरीज है ये। ऑल यू नीड टू नो अबाउट शूटिंग विद क्रोमा स्क्रीन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, लर्न विद निर्देशक राव। तो ये सीरीज़ फाइनली आ गई है, बहुत टाइम से मैं ये कह रहा था कि आएगी। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कब आएगी, और मैं कह रहा था कि अभी आने वाली है। मैं बेसिकली इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि इसमें ऐसा क्या प्रिपेयर करने वाला था, ग्रीन स्क्रीन तो मतलब पता ही है कि आउट करना होता है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ किंग ही ग्रीन स्क्रीन का पार्ट नहीं है। जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं उनको ये समझना चाहिए कि ग्रीन स्क्रीन आप जब शूट करते हैं, अगर आपका शूट अच्छा नहीं होता तो आपको बैड ग्रीन स्क्रीन मिलती है। दूसरों की अच्छी शूट की हुई वीडियो के ऊपर तो की आउट कर सकते हैं, बट जब आपको शूट करना पड़ता है, आपकी शूट अगर अच्छा नहीं होता उसमें बहुत तरह की 36 प्रॉब्लम आती हैं। कई बार लगता है कि शूट अच्छा हो गया, बट बाद में आपको पता लगता है कि बहुत सारे उसके अंदर इश्यूज़ थे जो कि आपको पोस्ट में ठीक करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। और उसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन कैसे काम करती हैं, साइंटिफिकली आपको पता होना चाहिए। बोरिंग नहीं करूँगा ज़्यादा इसको, आपको सिंपली समझाऊँगा सारा। तो हम पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। नंबर वन, वाई ओनली ग्रीन एंड ब्लू, यही दो कलर क्यों यूज होते हैं। नंबर टू, स्क्रीन मटेरियल ऑप्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मटेरियल की स्क्रीन ले सकते हैं। नंबर थ्री, लाइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही होने वाली है, लाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदर देन ग्रीन स्क्रीन भी आपको लाइटिंग की नॉलेज में मिलेगी। नंबर फोर है कैमरा वीडियो सेटिंग्स। अब लाइटिंग आपने ठीक कर लिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर वीडियो आपके कैमरा सेटिंग्स ठीक नहीं होंगी तो खराब हो सकती है। नंबर फिफ्थ है शूटिंग टिप्स, डूज एंड डोंट्स, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए वो हम सीखेंगे, क्योंकि गलतियाँ वहीं पर होती हैं, हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें करने से बचना है। फाइनली एडिटिंग, हालांकि अगर आपने सब कुछ अच्छा कर दिया इससे पहले स्टेप तक तो आपकी एडिटिंग सिंपल होगी, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला होगा नहीं, बट अगर इन केस ग्रीन स्क्रीन फिर भी ख़राब होती है तो एडिटिंग में कैसे उसको बचाया जा सकता है, ये इसके अंदर हम सीखेंगे। तो ये सब छह टॉपिक जो हैं ये एक दिन में कवर नहीं होंगे, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड हम आज कवर करेंगे। आफ्टर दैट लाइटिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास इसकी अलग जाएगी। कैमरा वीडियो सेटिंग एंड शूटिंग टिप्स ही हम एक साथ कवर कर लेंगे, एंड फाइनली जो एडिटिंग है उसकी लास्ट क्लास अलग से होगी, राइट। तो ये तीन क्लासेस के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे और आज हम पहले तो टॉपिक शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पर जाकर के मेरे इंस्टा हैंडल को आप फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर भी /निर्देशक राव पर जाकर के आप यूट्यूब मेरा पेज है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं फ्री स्टॉक फुटेज वगैरह सब डालता रहता हूँ। कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, जो नए लोग सब्सक्राइबर अभी नहीं बने हुए हैं वो पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दृष्टिकोण को, उसके बाद मेरे पर्सनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इंटरेस्टिंग स्टफ इसके ऊपर आने वाला है, खासतौर पर अनरियल इंजन के ट्यूटोरियल्स इस पर आने वाले हैं। तो बहुत लोगों को उसके भी बहुत वो है कि कब आएंगे अनरियल के ट्यूटोरियल्स, तो आइडिया दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पर जाकर मेरा ट्विटर हैंडल इसे फॉलो कर लीजिए। फाइनली फेसबुक पर भी लाइक कर दीजिए मेरे पेज को /निर्देशक राव। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, और फर्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है वाई ओनली ग्रीन एंड ब्लू, यही दो रंग क्यों, कोई और रंग क्यों नहीं। एक्चुअली इसका एक सिंपल रीज़न है, मोस्टली हम सब्जेक्ट जो सामने शूट करते हैं वो ह्यूमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और हमारी स्किन टोन्स जो हैं उसके अंदर रेड ऑरेंजिश कलर होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर ये वेक्ट्रोस्कोप बना हुआ है कलर व्हील, तो जो लोग कलर ग्रेडिंग को जानते हैं, जिन्होंने मेरी डाविंची रिजॉल्व की क्लासेस देखी हुई हैं, उनको पता है कि ये वेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करते हैं। यहाँ पर एक ये लाइन जा रही है, ये स्किन टोन इंडिकेटर, तो आप देख सकते हैं कि ये रेडिश ऑरेंजेस की तरफ है। चाहे आपकी स्किन फेयर हो, चाहे डार्क हो, चाहे मीडियम कॉम्प्लेक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो स्किन है वो इसी स्किन टोन्स के अंदर यहीं पर डार्कर या फेयर टोन में जाएगी, बट रहेगी इसी स्किन टोन्स के ऊपर। तो रेड कलर आपका प्राइमरी यहाँ पर है। तो प्राइमरी कलर तीन कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, ये सबको पता है। जिनको नहीं पता कलर थ्योरी उसके अंदर ये सब कुछ आता है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी अलग से क्लास लेऊंगा अगर कलर थ्योरी के ऊपर आपको क्लास चाहिए। फिर भी फॉर द टाइम बिंग बचपन से हमको ये सब जानकारी है कि ये लाल, हरा और नीला ये प्राइमरी कलर्स हैं RGB। तो रेड कलर तो जो हमको बचाना है वो हो गया, तो बचाना है तो बैकग्राउंड उससे ऑपोजिट कलर होने चाहिए प्राइमरी में से। तो बचे दो कौन से दो कलर, रेड यहाँ चला गया, दो दो लाइन इधर, एक इधर, एक इधर मार लीजिए, तो ऑपोजिट कलर्स हो गए ग्रीन और ब्लू। स्पेक्ट्रम पे दूसरी तरफ पे इस तरफ रेड है और इससे ऑपोजिट तरफ पे ग्रीन और ब्लू है, तो ये दोनों कलर सेफ कलर हैं, इनके अंदर आपका स्किन टोन्स नहीं आएंगी, इसलिए हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं, राइट।
आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपका कैरेक्टर जो है उसकी स्किन टोन ही ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की है, कोई एलियन को आप शूट कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही रफ एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस केस में आप पीछे ग्रीन ब्लू नहीं यूज़ कर पाएंगे, उस केस में आप रेड स्क्रीन यूज़ करेंगे और रेड आप की आउट कर पाएंगे, क्योंकि फोरग्राउंड का और बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। बट ग्रीन और ब्लू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्ट केसेस में हम ह्यूमन सब्जेक्ट को ही की आउट करते हैं, उसी के लिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, राइट। अब ब्लू कलर और ग्रीन कलर में पर्टिकुलरली क्या डिफरेंस है, इनको अलग अलग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस देखो। लाइट पहले आपकी स्क्रीन पे टकराती है, फिर बाउंस हो करके कैमरा में जाती है और स्पिल भी होती है इधर उधर, राइट। तो जो लाइट टकरा के बाउंस होती है, उस बाउंस लाइट के अंदर कलर इन्फॉर्मेशन भी होती है, अगर ग्रीन स्क्रीन पे टकराएगी तो ग्रीन कलर की लाइट वापस आएगी, ब्लू पे टकराएगी तो थोड़ी ब्लू आएगी। अब दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ये है कलर की, कि ग्रीन कलर पे जब टकराती है तो वो ज़्यादा बाउंस करता है लाइट को ग्रीन कलर, तो आपकी स्किन के ऊपर इधर उधर साइड में ग्रीन स्पिल आ जाता है, जिसको हमको पोस्ट में फिर उसको निकालना पड़ता है। और ब्लू में बेनिफिट ये है कि ब्लू जो है वो कम बाउंस करता है, कम वापस रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो आपको ब्लू स्पिल इतना नहीं आता, ठीक है। तो आपकी क्लीन एजेस आपको मिल जाते हैं, ग्रीन स्क्रीन में आपको एक डिकंटेमिनेटेड सी एज मिलती है, फ्रिंज आ जाता है वाइट कलर का, जो बैकग्राउंड को मैच करने में थोड़ा दिक्कत करता है, ब्लू में वो इशू नहीं होता, आपको क्लीन थोड़ी सी एज मिल जाती है, तो आपको कहेंगे लगेगा कि फिर तो ब्लू इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसमें इशू ये है कि ब्लू कलर रिफ्लेक्ट तो कम करता है लाइट, पर उसको खुद को लिट करने के लिए ताकि वो सही से नजर आए, उसको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, क्योंकि ब्लू भी तो तभी ब्लू नजर आएगा ना, उस पर लाइट गिरेगी। एक कमरे में ब्लू कलर की स्क्रीन है, सारी लाइट्स आप ऑफ कर दो, कहीं से कोई लाइट सोर्स ना रहे, सूरज की रोशनी भी ना आए, तो आपको क्या ब्लू नजर आएगी, वो आपको नजर ही नहीं आएगी, इट इज़ ऑल ब्लैक। देन कोई भी चीज़ हमें तभी नजर आती है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है और आपकी आँख तक पहुँचती है, सिमिलरली लाइट गिरेगी और कैमरा तक पहुँचेगी तभी वो चीज़ नजर आएगी, अगर लो लाइट रहेगी तो ब्लू कलर आपको ब्लू नजर नहीं आएगा, तो आपको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए उसको लिट करने के लिए, और ब्लू ज़्यादा लाइट मांगता है। ग्रीन नॉर्मल लाइट से भी लिट हो जाता है, तो आप इजीली जो है बहुत ज़्यादा महंगी लाइटें वगैरह के बिना भी इसको लिट कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रीन स्क्रीन ही कॉमनली हर जगह यूज़ होती है, और ब्लू स्क्रीन आपने हॉलीवुड वगैरह में कहीं कहीं पर इस्तेमाल होती हुई देखी होगी। तो दोनों के यूज़ केस अलग अलग हैं। अगर आपको डार्कर बैकग्राउंड चाहिए, मान लीजिए बाद में आपको रिप्लेस करके डार्कर बैकग्राउंड लगाना है, तो आप ब्लू की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें आपको क्लीनर एज मिलेगी और ब्लेंड करना इजी हो जाएगा। अगर आपका पीछे डेलाइट का बैकग्राउंड है, ब्राइट है, तो आपको जो फ्रिंजिंग वगैरह आती भी है ग्रीन स्क्रीन में, वो उसके साथ में जेल कर जाएगी, तो कोई इशू नहीं होगा, तो उस केस में आप ग्रीन की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया कलर्स के बारे में कि क्यों ये दोनों कलर होते हैं और ये दोनों कलर पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगली जो चीज़ है हमारी, वो है स्क्रीन मटेरियल्स। आपको पता लग गया ग्रीन या ब्लू में से आपको कौन सी लेनी है आपके शूट के लिए। अब आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, किस तरह की वो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए मटेरियल की जिससे स्क्रीन बनी हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं पेंट, फैब्रिक, पेपर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव बैकड्रॉप, राइट। तो पेंट, फैब्रिक और पेपर तो आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत समझते हैं, रेट्रो रिफ्लेक्टिव बैकड्रॉप आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पेंट आपने देखा हुआ है, मेरी इससे ऑपोजिट साइड में ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, तो उस पर पेंटेड है वो सारी। उसके बेनिफिट हैं कि एक बार पेंट कर दो मैट और अच्छा चलता है वो, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज, आपको अप क्लोज दिखाऊंगा कि इसके अंदर दिक्कतें क्या आती हैं। दूसरा है फैब्रिक। फैब्रिक आप इस तरह से रॉड के ऊपर टांग सकते हैं, इस तरह स्टैंड बने होते हैं उसके आप लगा सकते हैं। सिमिलरली पेपर बैकड्रॉप भी लगा सकते हैं, बट डिफरेंस ये है कि फैब्रिक जो है वो वॉशेबल है, रीयूजेबल है, और पेपर बैकड्रॉप जो है वो रीयूजेबल नहीं है। बट इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ये प्रोफेशनली बहुत क्लीन आपको की देते हैं, इसमें रिंकल्स वगैरह का कोई इशू नहीं होता, सुपर क्लीन की जाती है, बहुत हाई क्वालिटी का आपका जो है शूट इसके अंदर हो जाता है। तो पेपर बैकड्रॉप एक प्रोफेशनल चीज़ है, जो अगर आप अपने काम को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे। बाकी सब मैं डिटेल के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, उससे पहले एक बार ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव बैकग्राउंड आपको बता दूँ। चाहे आप देखिए, बिगिनर को तो शायद बिल्कुल नहीं पता होगा, और जो इंटरमीडिएट और काफी टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं ग्रीन स्क्रीन, उन्होंने भी ये टर्म शायद पहली बार सुनी होगी, तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। एक मैं यहाँ पर आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ, थोड़ी ब्लर है बट इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरे का फ्रंट साइड यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर एक ग्रीन रिंग लाइट लगी हुई है। ये जो बैकड्रॉप है ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव बैकड्रॉप है। ये जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वैसे तो ये ग्रे नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्रे या वाइट कलर का, लेकिन जब इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है कलर्ड, तो जिस जगह से वो लाइट आई है उसी जगह पर ये वापस उस लाइट को बाउंस कर देता है सेम कलर को, राइट, और दूसरे एंगल्स पर नहीं करता। तो ये कैमरा से जब लाइट जा रही है तो ये इधर का पोर्शन थोड़ा बहुत ग्रीन नज़र आ रहा है, यहाँ पर लाइट जाती है, तो जिधर से लाइट आई है यानी कैमरा से लाइट आई है ना, हमने उस पर रिंग लाइट लगाई है, उस एरिया पे लाइट बाउंस कर देता है, और उतने एरिया को ये जो है रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल ग्रीन कलर नजर आता है, ठीक है। अब एक कैरेक्टर ग्रीन नजर नहीं आएगा, क्योंकि कैरेक्टर तो नॉर्मल ह्यूमन स्किन है, नॉर्मल उसने कपड़े पहने, ये मटेरियल नॉर्मल है, ये ऐसे लाइट को बाउंस नहीं कर सकता। ये सिर्फ ये पर्टिकुलर स्क्रीन ही ऐसे मटेरियल की बनी है जो बाउंस कर देती है कोई भी कलर लाइट उसके ऊपर आती है, उसको वापस जहां से आई है उस सोर्स की तरफ। तो कैमरा पे ऐसी आप ग्रीन रिंग लाइट लगाते हैं,
और ये मटेरियल आपका जहाँ भी कैमरा है उसके ऊपर बाउंस कर देगा उस लाइट को, और आपको पूरा ये ग्रीन हो जाएगा और इसको आप की आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो बड़ी ही इनोवेटिव टाइप की ये टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, बट ये नॉर्मल कॉमन नहीं है क्योंकि इतना तामझाम ये सब कुछ लगाना कोई मतलब हर एक के बस का बात नहीं है। और ये सब कुछ अगर आप नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन पे भी की आउट कर सकते हैं तो इतनी मेहनत करना भी डेफिनेटली कोई बहुत फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं कि मैंने जानकारी देनी थी आपको दे दी कि ये भी एक मेथड होता है, जिनको नहीं पता था अब उनको पता लग गया होगा कि नई इनपुट आई होगी। अब ये जो सारे मटेरियल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन हैंड, उससे पहले मैं आपको कुछ इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। थिंग्स टू कंसीडर वाइल चूजिंग ग्रीन स्क्रीन मटेरियल या ब्लू स्क्रीन मटेरियल, कोई भी आप ले रहे हैं क्रोमा मटेरियल चूज़ करते हैं। नंबर वन, शुड नॉट बी रिफ्लेक्टिव। बिल्कुल ये 100% श्योर कर लीजिए कि रिफ्लेक्टिव ना हो, शाइनी भी ना हो, क्योंकि जब लाइट शाइनी मटेरियल के ऊपर पड़ती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाइट वाइट कलर का हो जाता है, जगह से कलर चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे ब्राइट रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे क्या होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट वाइट हो गया। जब इसे की आउट करेंगे तो आप ये ग्रीन कलर की आउट करेंगे तो ये हट जाएगा लेकिन वाइट नहीं जा पाएगा, डार्कर करेंगे तो डार्क चला जाएगा लेकिन वाइट नहीं जा पाएगा, तो इस तरह से वो यहाँ पर रह जाएगा, उसको आपको की आउट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्टिव मटेरियल नहीं यूज़ करना। रिंकल्स नहीं होने चाहिए, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फैब्रिक का ही है लेकिन इस पर रिंकल नहीं है क्योंकि ये चारों तरफ से इसकी स्ट्रिंग लगी हुई है मेटल की जो इसको स्ट्रेच करके रखती है, तो आपकी ग्रीन स्क्रीन प्रॉपरली स्ट्रेच्ड होनी चाहिए ताकि रिंकल्स उसके आपको निकालने किस तरह से सेट कर कैसे लगाना है उसको, राइट। रिंकल्स आएंगे तो शेडोज़ क्रिएट होंगी, शेडोज़ क्रिएट होंगी तो की में प्रॉब्लम आएगी। लास्ट इज़ कलर मस्ट बी कंसिस्टेंट। कोई इस तरह का बैकड्रॉप ना लें जो फोटोग्राफी बैकड्रॉप होते हैं उसमें कलर की शेड आती है, ग्रीन डार्क से लाइट की तरफ जाए कुछ शेड सा बना होता है, वो एक्चुअली फोटो खींचने के लिए होता है कि वो बैकग्राउंड नज़र आएगा, रिमूव करने के लिए नहीं होता। तो ध्यान रखना कि शेड्स ना हो आपके उसमें, पूरा सिंगल एक कलर का हो, क्रोमा कलर का हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, चाहे पेंट हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे पेपर हो, किसी भी तरह का बैकड्रॉप हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी जो है उसमें चेक करना है आपको कि ये गड़बड़ियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिंकल्स नहीं आने चाहिए और कलर कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ये पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन जो मैंने मंगवाई है, इसके साथ में मैंने पेपर बैकड्रॉप और दूसरा वाला जो है फैब्रिक बैकड्रॉप ये भी मंगवाए हुए हैं, ये सारा कुछ मैंने studiobackdrop.com से मंगवाया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उनके वहाँ पर हैं, तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अब ये प्रोडक्ट्स मैं आपको हाथ में दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है पेंट, फैब्रिक और पेपर बैकड्रॉप में, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल हमारे पीछे यहाँ पर है पेंट बैकड्रॉप। तो बेसिकली ये वॉल्स हैं, ये 3D ग्रीन स्क्रीन है मेरी, तो मैंने राइट और एक पीछे और एक ये नीचे जो फ्लोर है तीनों को मैंने पेंट किया हुआ है, और ये पेंट मैट पेंट है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो लाइट जब इसके ऊपर गिरती है तो शाइन कहीं नहीं आती है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पेंट बैकग्राउंड आपने एक बार कर दिया इसके बाद ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो है चलता तो रहता है, बट इसमें जब दिक्कत आती है तो उसको आप ऐसे ठीक भी कर सकते हैं, आपको दोबारा रीपेंट ही उसे करना पड़ेगा। और दिक्कतें क्या आती है आपको दिखाऊंगा, दूर से तो सारा कुछ बहुत बढ़िया और बहुत साफ नजर आ रहा है, अब मैं आपको इन हैंड कैमरा ले आकर दिखाता हूँ कि क्या क्या एक्चुअली इसके अंदर होता है। और जैसे कि ये वॉल है, इसके पास मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ, ये देखिए जब सीलन आ गई वॉल के अंदर तो यहाँ पर पेंट मेरा निकलने लग गया, राइट। ये देखिए कितनी प्रॉब्लम है। फ्लोर आपको दिखाता हूँ, फ्लोर पे भी आप पास से देखेंगे तो इस तरह का फ्लोर है, क्रैक्स भी आ रहे हैं इसमें, ये सीमेंटेड है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह के निशान पड़े हुए हैं, चाय कॉफ़ी गिर गई है तो उसका निशान पड़ा हुआ है, राइट। ये सब इश्यूज इसके अंदर ही देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, जब ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे कट करनी पड़ेगी तो ये ग्रीन तो नज़र आ ही नहीं रहा, राइट। इसमें तो ये देखो ये क्रैक आ गया बीच में इस तरह का, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये बहुत मेजर इश्यूज होते हैं। मेरी वीडियो की शूट के दौरान में भी कई बार मुझे बहुत ये फेस करना पड़ता है, कहीं से ग्रीन स्क्रीन कट नहीं होती प्रॉपर, क्योंकि जो है इस तरह के नीचे ये वाइट हो जाती है स्क्रीन, यहाँ पर इस एरिया में तो ये देखो ऑलमोस्ट ग्रीन लग भी नहीं रही इतनी, जूतों के निशान पड़ पड़ के, पेंट उतर उतर के, या और मल्टीपल चीज़ों की वजह से, सीलन की वजह से पेंट ख़राब होता है। तो पेंट सबसे अच्छा सोल्यूशन है वैसे, बट इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो बार बार पेंट भी करवाना पड़ता है, वॉशेबल नहीं है ये, क्योंकि इसको वॉश करने की कोशिश करोगे तो पेंट निकल जाएगा और नीचे की चीज़ नज़र आने लग जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास studiobackdrop.com से फैब्रिक क्रोमा बैकड्रॉप आ गया है। पेंट बैकड्रॉप आपको मैं दिखा चुका हूँ, अब यह फैब्रिक बैकड्रॉप आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये इस तरह से बैकड्रॉप आया है, वेरी नाइस कवरिंग, और यहाँ पर जो है ये मॉइस्चर नाल होता कि इसके लिए, दिस इज हाउ द बैकड्रॉप लुक्स। सो ये फैब्रिक है आप देख सकते हैं,
फैब्रिक क्वालिटी इज नाइस, कलर इज क्रोमा ब्लू। सो क्रोमा ब्लू कलर में हमारे पास फैब्रिक बैकड्रॉप आ गया है। ये दिस इज़ नॉट वेरी मच फ्लेक्सिबल बट इसका कलर बहुत अच्छा है और मैट है प्रॉपर, तो इसके अंदर उस तरह की शाइंस वगैरह की इश्यूज नहीं आएंगे जो मैं बोल रहा था। दूसरा मेरे पास ये एक पहले का पड़ा हुआ है, जैसे मैं कंपैरिजन के लिए आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ ग्रीन क्रोमा बैकड्रॉप, बट ये एक्चुअली ग्रीन नहीं है, ये मेरा फर्स्ट बैकड्रॉप था। दिस इज़ फ्लेक्सिबल बट इसमें इशू ये है कि ये कलर बिल्कुल गलत है, इसलिए ये थोड़ा कामयाब नहीं है इतना। बाकी ये ज़्यादा मैट भी है और ट्रू टू क्रोमा कलर है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जो है कि फ्लेक्सिबल में मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, ये भी फैब्रिक है बट दिस इज़ ऑल्सो, ये मैंने क्रोमा ब्लू मंगवाया था। आप एक तो इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं कि थोड़ी पुअर क्वालिटी की पैकेजिंग है, ये अनब्रांडेड है और यहाँ पर ये देखो लिफाफा फट भी गया इसका, और यहाँ पे आप कलर का डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। और इसमें शाइन भी है, जबकि ये मतलब है तो क्रोमा बैकड्रॉप ही, बट इसमें कंपेरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा शाइन है, प्लस इसका कलर भी ट्रू क्रोमा कलर नहीं है, इसका ट्रू क्रोमा कलर है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें जो है इनसे फ़र्क पड़ता है, राइट। शाइन आपके अंदर बिल्कुल कम होनी चाहिए आपके बैकड्रॉप के अंदर, राइट। प्लस फैब्रिक देखो क्लीन है और कलर इसका बेटर है, प्रॉपर क्रोमा ब्लू कलर है। तो इनको मैं भी हटाता हूँ और इसको हम देखते हैं। इसको इसके अंदर एक ये भी चीज़ मिली हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीव बनी हुई है, बेसिकली ये इस तरह से इसके अंदर रॉड डालने के लिए ऑलरेडी स्टिचिंग की हुई है। कई बैकड्रॉप जो आते हैं उसमें स्टिचिंग नहीं होती है, तो आपको या तो क्लिप से लगाने पड़ते हैं या स्टिचिंग करनी पड़ती है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। इसको हम लगा के देखते हैं रॉड के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे जो है ग्रीन स्क्रीन के स्टैंड पड़े हुए हैं, ये दो बेसिकली स्टैंड है लाइट स्टैंड टाइप के, और ऊपर उसकी एक रॉड लगती है, तीन पार्ट में टूटी हुई रॉड है, वो उसको कनेक्ट करके हम लगाते हैं। बेसिक स्टैंड है, मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे वो अब देख लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक बैकड्रॉप है हमारा, जो कि उस रॉड के ऊपर कर्टन की तरह यहाँ पर लगेगा, और इवेंचुअली बाद में जो पेपर बैकड्रॉप है वो भी उसी रॉड के ऊपर हम लगाएंगे। और भी बहुत तरह के स्टैंड होते हैं, ये बेसिक हैं, ये आपने मोस्टली सब लोगों ने देखे होंगे, कॉमन चीज़ है ये। और यहाँ पर कुछ हमारे पास ये क्लैंप्स रखे हुए हैं, जब हम फैब्रिक लगा देंगे तो उसको साइड में खींच करके उसको पकड़ के रखने के लिए, ताकि हम रिंकल्स वगैरह उसके निकाल सकें। उसके लिए ये पेपर बैकड्रॉप हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम फैब्रिक बैकड्रॉप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंड्स को जो है असेंबल करते हैं। तो ये स्टैंड यहाँ पर असेंबल हो गया है। अब मैं ये कर्टन की तरह इसको, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर रॉड के अंदर डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं स्लीव के बीच में, और आई थिंक ये जो है लेंथ जो है इसकी मेरी रॉड की इससे ज़्यादा है, तो मैं दो रॉड से भी इसके अंदर ये काम चला सकता था, तो मैं एक्चुअली यही करूँगा, दो पे मैं ले आता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर से एक सेक्शन हटा दिया है रॉड का, और अभी दो सेक्शन के ऊपर से रखा है, दो सेक्शन के साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, बट इट्स ओके, आपको समझाने के लिए काफ़ी है ये। अब मैं दोनों तरफ से इनको उठाऊंगा, अगर आपके पास कोई हेल्पर हो तो बेटर तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों तरफ से बराबर बराबर जो है इसको उठाते जाएं। तो यहाँ पर हमने इसे हाइट में ले लिया है, अब जो साइड में जैसे ये गैप रह गया है, इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पर मुझे एक क्लैंप से इसको जोड़ना है, ये क्लैंप्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जब मैं क्लैंप से जोड़ दूंगा तो इसके रिंकल्स यहाँ पर निकल जाएंगे, तो मैं वो कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमने स्टैंड लगा दिया है, और नीचे जो है इसको मैं और थोड़ा सा आगे जो है रोल कर सकता हूँ एक दो फुट, बट मैं अभी करूँगा नहीं, क्योंकि जूते भी मेरे गंदे हैं, थोड़ी मिट्टी यहाँ पड़ी हुई थी ऑलरेडी, थोड़ी बहुत डस्ट इसके ऊपर लग गई है, अभी मैं उसको नीचे ऐसे रहने दूंगा। अदरवाइज आप उसको फ्लोर के ऊपर भी थोड़ा आगे ला सकते हैं एक दो फुट तक, तो उसके ऊपर भी आप खड़े हो सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। बाकी इससे ज़्यादा लेंथ में मिलती है, अगर आपको पूरी आगे तक चाहिए तो लेंथ ज़्यादा में भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं इस तरह के बैकड्रॉप, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो ये एक पोर्टेबल टाइप का सोल्यूशन है, इसमें आप लेंथ पैड दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने क्लैंप थोड़े अभी सिर्फ चार लगाए हैं, अगर आपको प्रॉपर इसको सिलेटों को निकालना है तो आप ऊपर भी और क्लैंप लगा करके इसको प्रॉपरली जो है इसके रिंकल्स को निकाल देंगे जब आपका शूट करना है आपने। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि किस तरह की जो है ये स्क्रीन आपको इस तरह नजर आएगी। तो ये था हमारा सोल्यूशन नंबर टू, फैब्रिक। इसमें पेंट की तरह से वैसे खराब नहीं होता, अगर गंदा हो जाए तो धो सकते हो आप इसको, ये इसका फायदा है। थोड़े बहुत इसमें रिंकल्स आते हैं, लेकिन वो आप स्ट्रेच करके उसके निकाल सकते हो। बाकी जो है मैट है जिस तरह से, ये मैंने आपको बताया है कि रिफ्लेक्टिव नहीं लेना आपने, मैट होना चाहिए ताकि जो लाइट बाउंस होकर के बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्शन इसके ऊपर ना आए और अभी की जो है प्रॉपरली लग सके। ये मैंने ऐसे लाइटिंग प्रॉपर नहीं की हुई है, आपको पहले बता रहा हूँ, लाइटिंग का जब लेक्चर आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको कि प्रॉपर लाइटिंग कैसे करनी है ग्रीन स्क्रीन की या ब्लू स्क्रीन की। तो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं, जो कि हमारा पेपर बैकड्रॉप। ये है पेपर बैकड्रॉप,
ये भी मैंने studiobackdrop.com से मंगवाया है, मेड इन USA है, क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं, बाकी से खोल के देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसे इसके अंदर रोल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कार्डबोर्ड की एक स्लीव टाइप की है जिसके ऊपर की एक पेपर रोल हो रखा है, तो इसको हम जो है यहाँ से खोल देते हैं। आपको यहाँ से प्रॉपरली नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कार्डबोर्ड के जैसा यहाँ पर एक होल है, तो जो पाइप होती है वो आपकी इसके अंदर सीधा चली जाएगी और उसके ऊपर ये रेस्ट करेगा, फिर यहाँ से आप पेपर रोल जो है से ओपन कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे ज़रा सा बैंड किया तो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है इस पर नीचे निशान पड़ने लगा है, तो क्योंकि ये पेपर है इसको बड़ा डेलिकेट है, इसको बड़े तरीके से यूज़ करना है और ये शूट के बाद में मोस्ट ऑफली ख़राब कर सकते हैं आप इसको, तो संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो बार बार भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बट इवेंचुअली ये ख़राब होगा और आपको रोल चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन आपका प्रोफेशनल काम है तो ये बिल्कुल मैट है और कोई इसके अंदर रिंकल नहीं आएंगे, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रोफेशनल आउटपुट आपका निकल के आएगा। तो इस तरह का ये बैकग्राउंड है। बाकी आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रांड का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू लाइट सीमलेस पेपर, इसका नंबर मार्किंग दे रखी है, क्रोमा ग्रीन यहाँ पर कलर लिखा है, डायमेंशन दे रखी है। मंगवाया मैंने studiobackdrop.com से, बट ट्रू लाइट जो है ब्रांड का नाम है जिसका ये पर्टिकुलर क्रोमा ग्रीन सीमलेस पेपर है। सो अब इसको हम लगा के देखते हैं स्टैंड के ऊपर। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट सॉल्यूशन जो कि है पेपर बैकड्रॉप, इसको भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसको मैं इसके कार्डबोर्ड को संभाल के रखूंगा क्योंकि बाद में मुझे यूज़ करके मैं इसी के अंदर डाल दूंगा ताकि ये गंदा वगैरह ना हो, और इसको आप वर्टिकली इस तरह से स्टैंड कर सकते हैं। फिर अगर सिंपली रखूंगा तो यहाँ से पेपर जो है बेंड वगैरह होगा। ये भी हमारा इसी रॉड के ऊपर आ जाएगा प्रॉपरली। तो ये मैंने इसको बैकड्रॉप के यहाँ पर लगा दिया है। मेक श्योर कि आपकी जो ये दोनों एंड्स हैं ये प्रॉपरली कनेक्टेड हो, वैसे इनके ऊपर आप नट से इनको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि ये बाहर अपने आप ना निकले, बट मेरे केस में मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं ध्यान से करूँगा ताकि अपने आप ये ना बाहर निकल जाए। तो ये हमने हाफ हाइट तक रेज कर लिया है और मैं लिया हूँ कैंची क्योंकि मुझे अब यहाँ से इसे कट करके ओपन करना होगा और उसके बाद में इसको मैं रोल डाउन कर दूंगा। यहाँ पे इसमें ग्रूव्स बनी हुई है तो वहाँ से भी इसको मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे फट जाता है तो मैं इसको, बेटर तो वैसे सीजर की बजाय आप कटर से ये काम करें, ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। वैसे तो आपको एक काम कटर से करना चाहिए बट मुझे भी कटर मिला नहीं तो मैंने सीजर से इसे कर दिया, सीजर से भी हो जाता है। अब मैं इसको यहाँ नीचे पुल करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कोई स्ट्रेच नहीं किया, कुछ नहीं किया है, ऑलरेडी ये एकदम क्लीन नजर आ रहा है, ठीक है, और कोई इसके अंदर रिंकल वाला इशू भी नहीं है इतना। सिर्फ इसकी एजेस थोड़ी सी यहाँ पे जो है इस तरह की हैं, वो क्योंकि रखने वगैरह की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह हो गया होगा। बाकी देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन है, मैट है, नो रिफ्लेक्शन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सबसे प्रोफेशनल सॉल्यूशन यही है पेपर बैकड्रॉप। आपने कभी भी देखा होगा फोटोग्राफी स्टूडियोज के अंदर इस तरह के पेपर बैकड्रॉप होते हैं, हमारे पास क्रोम है क्योंकि हमें ग्रीन स्क्रीन कट करनी है, अदरवाइज ये कलरफुल बैकग्राउंड में पैटर्न्स में इस तरह से आते हैं ताकि आप इसके ऊपर फोटोग्राफी कर सकें। ऑरेंज कलर का जो है और येलो कलर का जो है ये बहुत अच्छे लगते हैं फोटोग्राफी के लिए, अगर आपने ऊपर सियान कलर के या स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने तो कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बन के आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का, राइट। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ी हाइट और ले ली है इसकी और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो है पूरा क्लीन एकदम बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल मैट ये बैकग्राउंड है। और मैंने यहाँ पर ऊपर क्लैंप लगा दिया है ताकि अपने आप ये और रोल करके नीचे ना जाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर थोड़ा सा ये बेंड हो गया है, ये खोलने बंद करने में भी थोड़ा सा इस तरह का, क्योंकि पेपर है, अब पेपर तो कागज़ तो अगर उसको मैन हैंडल किया जाएगा तो फट भी जाएगा और ख़राब भी हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी पेपर बैकग्राउंड के साथ काम करेंगे आपको उसको बड़े अच्छे से निकालना है। उसमें एक चीज़ है, अगर आप इसको मैं नीचे पूरा रोल नहीं कर रहा, अगर रोल करके आगे ले आऊँगा जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं ऑफकोर्स, तो वो जब गंदा हो जाता है तो इसको वॉश नहीं कर सकते आप फैब्रिक की तरह, फिर आपने क्या करना है इसको बस कट कर देना है कैंची से काट के और रोल को आगे खोल देना है। तो इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल जो फैब्रिक है उससे, क्योंकि ऑब्वियसली फैब्रिक लिमिटेड उसका होता है, इसका आगे यूज होना होता है, तो लेंथ ज्यादा में भी आप इसे ले सकते हैं और ऑप्शन है लेंथ के अंदर। तो अब इसे रोल को खोलते जाएंगे, जब ये गंदा हो जाएगा नीचे से तो इसे काट देंगे, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपने तीसरी ऑप्शन भी देख ली है जो है पेपर बैकड्रॉप। और फैब्रिक में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि इसके ऊपर मैं ऐसे अलग वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं दिखा देता हूँ ये चीज़। ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल बैकड्रॉप है, इसे मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो इन फैब्रिक, ये कपड़ा है, ये भी क्रोमा ग्रीन है यहाँ पर हमारे पास,
और ये भी बहुत अच्छा मैट जो है, मैट इसका मटेरियल है, तो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग प्रोडक्ट। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, तो आप यहाँ पर कहीं मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल दूंगा, तो आप जाकर के जरूर देखिए। इसके मैंने फायदे उसके अंदर बहुत सारे बताए हैं। तो फैब्रिक में आप इस तरह की ऑप्शन भी है, ये आप इस तरह की उस पर भी टांग सकते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लूप हमारे पास लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लूप हमारे पास है, तो इन लूप्स के थ्रू हम इसको ऊपर इस तरह से यहाँ पर भी टांग सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है, इस तरफ भी लूप है, इस तरफ से भी लंबाई में टांगना तो वैसे भी टांग सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप इसको नॉर्मल सिंगल स्टैंड लगा के, एक क्लैंप लगा के, रिफ्लेक्टर क्लैंप, उससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो मैंने ये दूसरी वीडियो के अंदर सारा दिखाया हुआ है कि इसको किस किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको बंद कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फोल्ड करने के लिए पहले हम इसे सीधा रखेंगे, राइट हैंड जो है मेरा उसको मैं नॉर्मली सिंपली पकड़ता हूँ, उंगलियाँ आगे और अंगूठा पीछे। दूसरे वाले हाथ में मैं क्या करूंगा, अंगूठा आगे रखूंगा और उंगलियाँ पीछे, इसको मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा ऐसे, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार आप इसको ग्रास्प कर लेंगे ऐसे तो इस केस में आप देख सकते हैं, पर मेरा अंगूठा आगे आ गया, उंगलियां पीछे, यहाँ पे उंगलियां आगे राइट साइड में और अंगूठा पीछे। उसके बाद आप इसको सिंपली ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये अपने आप ही जो है आपका फोल्ड होकर के ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, राइट। फिर उसको आपने बस ऐसे कोलैप्स कर देना, दैट्स इट। तो एफर्ट नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, एक दो बार करने के बाद आपको आ जाएगी। राइट हैंड मैंने बस सीधा ऐसे रखा, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, और लेफ्ट हैंड में मैंने उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे ऐसे, और उसके बाद में ट्विस्ट कर देना है इसको। तो इसका नाम ही ट्विस्टी फ्लेक्स है, आपने इसको दोनों तरफ से पकड़ के ट्विस्ट कर देना है, निचोड़ देना है, और ये फोल्ड करके इस तरह का हो जाएगा। एंड देन आप इसको अपने जो बैग है इसके साथ उसके अंदर डाल सकते हैं, और इस तरह से ये आपका पैक हो जाएगा चुटकियों में, और सिंपली ये एकदम पोर्टेबल सोल्यूशन है आपका, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब लूप इसके अंदर लगी हुई है लटकाने वटकाने के लिए, उठाने के लिए, बाकी मैं तो इसको ऐसे ही पकड़ता हूँ। ये अभी अभी हमने देखा, हमारी जो दो तीन ऑप्शंस थी, हमने पेंट बैकग्राउंड देखा, उसके अलावा फैब्रिक बैकग्राउंड देखा, और पेपर बैकड्रॉप भी हमने देखा। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं, और इसमें फैब्रिक में हमने फ्लेक्सी भी देख ली है जो पोर्टेबल है, इसको कहीं भी आप ले जाते हैं, और दोनों तरफ से कलर हैं, एक तरफ क्रोमा ब्लू है, एक तरफ क्रोमा ग्रीन है, तो ये मल्टीपर्पज़ भी है, राइट। तो ये सब तरह के मटेरियल्स हैं, अब इन मटेरियल्स में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है आपके वर्क फ्लो के हिसाब से, बट सब में ये प्रॉपर्टीज सेम रखनी है, आपको ध्यान रखना है मैट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, रिंकल्स अवॉइड करने हैं, दैट्स इट। तो सबकी क्वालिटीज एक बार फिर से, पेंट जो है एक बार करके काफी टाइम तक चलता है, पेंट को लेकिन आप वॉश नहीं कर सकते, और पेंट में जैसे बाद में खराबियां आती जाती हैं तो आपको रीपेंट उसे करना पड़ता है। फैब्रिक जो है वॉशेबल है, आराम से धुल जाता है, बट उसमें रिंकल्स आ सकते हैं। पेपर बैकड्रॉप सबसे अच्छा है, क्लीन है, इजीली आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगेन रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि गंदा हो जाता है तो वॉशेबल नहीं होता है, बट सबसे क्लीन और कम मेंटेन करने वाला पेपर बैकग्राउंड है, बट अगेन क्योंकि ये नीचे से आपको काट काट के इसको आप दोबारा एक्सटेंड करते रहेंगे तो आपको बाद में और परचेज करते रहना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह का बैकड्रॉप यूज करेंगे, आप क्लाइंट के जो भी बजट है उसके अंदर इसको भी ऐड करेंगे। आप शूट कर रहे हैं तो आपका बैकड्रॉप का जो कॉस्ट है, अगर वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है तो उसमें से कुछ परसेंटेज या पूरा बैकड्रॉप को उसके बाद बदलना है, तो आप उसके शूट के दौरान जो खर्चा आप लेंगे क्लाइंट से उसमें ऐड ऑन कर देंगे। इसी तरह से पेंट बैकड्रॉप में भी यही है, बार बार पेंट अगर आपका बदल रहा है, कोई मान लीजिए म्यूजिक वीडियो और एक ही दिन में इतना पेंट खराब हो गई पूरा चेंज होने, तो पेंट करने का जो खर्चा था वो आप क्लाइंट के बजट के अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से आपको ये काम आगे करना है। फैब्रिक में आप इसको रीयूज कर सकते हो वॉश कर करके, बट इसको भी बहुत ज्यादा वॉश करने का फायदा नहीं होता क्योंकि बाद में फिर कपड़ा की क्वालिटी डिटेरियट होने लग जाती है, क्वालिटी गिरने लग जाती है कपड़े की, तो फैब्रिक को भी अवॉइड ही करना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा वॉश करना, ध्यान से साफ ही रखना चाहिए, बट हाँ अगर मजबूरी होती है बाद में काफी गंदा हो जाता है तो आप उसको साफ कर सकते हो, वॉशेबल होता है इतना उसमें है, बट रिकमेंड नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बार बार उसको धोते रहो क्योंकि कपड़ा बार बार धोने से ऑब्वियसली फैब्रिक खराब होता ही है। तो अब चलते हैं वापस सिस्टम के ऊपर और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में सीखने की। तो ये सब तरह के आपने बैकड्रॉप्स देख लिए हैं, अब आप चूज कर सकते हैं कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट है। आपको पेपर बैकड्रॉप चाहिए तो पेपर बैकड्रॉप ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको फैब्रिक चाहिए तो फैब्रिक ऑर्डर कर सकते हैं, पेंट करना है तो आप पेंट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपके लिए बेस्ट सूट करते हो आपके बजट के अंदर, जिस तरह से सेट आती हो और आपकी रिक्वायरमेंट जो है आपको प्रोफेशनल आउटपुट चाहिए तो आप पेपर बैकड्रॉप की तरफ जाइए, अगर आप बार बार उस रोल को चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी ग्रीन स्क्रीन चूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि ग्रीन स्क्रीन के मटेरियल कौन कौन से हैं, क्यों ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं, ब्लू स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, सब आपको क्लियरली पता लग गया है। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम लाइटिंग डिस्कस करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहीं कहीं होंगे तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।